हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग राइट नाउ की, उनके लेट नाइट थॉट क्या हैं। सो, एक कलेक्टिव रीडिंग हो रही है सभी से। मे बी हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ बातें रेजोनेट ना हो, उस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जो रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग इनके लिए करंटली क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, नाइन ऑफ वेंड्स, हर्मिट, मून, सिक्स ऑफ कप्स एंड द चैरियट। बॉटम से क्या है भाई? क्वीन ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल एनर्जी है, ठीक है। कर्क राशि आपके पर्सन की काफ़ी सॉलिड हो सकती है। पाइसिस राशि यहाँ पे सॉलिड है, मतलब ये मेजर में आ रही है, ठीक है। मेजर कहीं ना कहीं ये बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल रही है आपके पर्सन के ऊपर। पाइसिस हो सकती है, कन्या हो सकती है, कर्क राशि आपके पर्सन की यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास राशि है वो है कर्क वृश्चिक मीन राशि और मेष सिंह धनु राशि। ओके, तो अभी फ़िलहाल ये राशियां हैं। सिंह राशि भी आपके लिए हो सकती है इम्पॉर्टेंट, तो अभी फ़िलहाल ये राशियां आई हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो लोग आप लोग बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हो, ठीक है, जब तक मैं चलो कार्ड क्लैरिफाई कर रही हूँ और अपनी बात भी कह देती हूँ, आप कन्फ्यूज़ ये हो जाते हो कि मेरी राशि नहीं आई, मेरे पार्टनर की राशि नहीं आई, तो ये रीडिंग हमसे रेजोनेट होगी या नहीं होगी। डाउट ना करें, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। आप किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी राशि के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे राशि आए ना आए, आपको एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। नंबर्स मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। नंबर्स अभी मेरे पास जो आए ना, 99 नंबर काफ़ी स्ट्रांग है। मे बी सेप्टेम्बर का मंथ आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग रहा होगा, ठीक है। उसमें कुछ घटना घटी होगी, मे बी 9 मंथ बिफोर, 9 डेज बिफोर, 9 वीक बिफोर, इस तरह से आप देख सकते हैं। 9 किसी का यहाँ पर टैलेंट नंबर, भाग्यांक नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, बर्थडे नंबर, इस तरह से बर्थ मंथ हो सकता है, ये कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ही हमारे पास यहाँ पे 17 नंबर की इम्पॉर्टेंस वो भी नज़र आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं फटाफट से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें, इन एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, इनके पीछे की भावनाएं हमें बताएं, व्हाट दे फील बियॉन्ड द इल्यूजन। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आता है कंप्लीशन, ड्रीम, इनर वॉइस। सुनने में आज आपको रीडिंग बड़ी ही स्ट्रेंज लग सकती है। बॉटम से हमारे पास आता है सोर्स, यहाँ पे आता है लास्ट कार्ड हमारे पास आउटसाइडर। सुनने में आपको लगेगा कि क्या जो बोल रही हैं दी, यानी जो मैं बोल रही हूँ, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पार्टनर की तरफ से ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया, मे बी आपको सुनते समय ये चीज़ें शॉकिंग लग सकती हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, मैं यहाँ पर आपके पर्सन को देख रही हूँ, जैसे वो तो आपको पाना चाहते हैं, वो तो आपको कहीं ना कहीं उनके दिल में तमन्ना है कि वो आपसे कनेक्ट हों, आपका रिश्ता उनके साथ में जुड़े, वो आपके साथ में कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़े। दे वॉन्ट यू, सबसे पहला कार्ड व्यूवर्स आपके लिए बताता है जो सेंटर में आया, यानी सेंटर कहते हैं ना, सेंटर में क्या है, हमारे दिल, हमारा दिमाग, कहीं ना कि यही चीज़ें इंसान को गाइड करती है ना, कहते हैं दिमाग सेंटर में नहीं है, तो राइट नो यही आप समझ लो, इस पर्सन का दिमाग सेंटर में नहीं है और ये पर्सन व्यूवर्स आपको पाने के लिए पागल है, ठीक है। ये पर्सन व्यूवर्स इस हद तक पागल है कि इस पर्सन को हर हाल में आप चाहिए, हर हाल में आपका साथ चाहिए, हर हाल में, ठीक है, हर हाल में इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको अपने साथ में, जैसे अपनी बाहों में देखना है, अपने साथ देखना है, अपने साथ फील करना है, आपको अपना बनाना है, ठीक है। इस पर्सन की व्यूअर्स इस वक्त वही है, दिमागी हालत सही नहीं है, आप यही कह लो, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था आपको सुनने बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि समवेयर आप तो ये सोचे बैठे होंगे कि इस पर्सन को मेरी ज़रूरत है ही नहीं, ये पर्सन मुझे चाहते ही नहीं है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे निकल गया है। आपके पर्सन को ये लगता है कि आपकी तरफ से रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आपने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है, आप इस रिश्ते को क्लोज़र दे चुके हो, आपने इस रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं, जैसे कि
या तो स्वीकार कर लिया कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, हम दोनों का मिलना अनिश्चित है, अनिश्चित काल जैसे कहते हैं ना, अनिश्चित काल तक। मेरे आज शब्द थोड़े लड़खड़ा रहे हैं लेकिन शब्द बहुत बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लेकिन आ रहे हैं। और ये शब्द व्यूअर्स यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा मतलब फ़ील हो रहा है कि आपने रिश्ता क्यों ख़त्म कर दिया, क्यों इस पर्सन को ऐसा फील करा रहे हो कि येस आई डोंट नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं देखना, या फिर तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हो चुके, हमारा रिश्ता यहीं तक था समवेयर, है ना। ये घटनाएं यहाँ पर हैं, आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि वाई तुम मतलब मुझे ऐसा कैसे अकेला छोड़ सकते हो, कैसे तुम मुझसे दूर जा सकते हो, कैसे तुम ये अपने आप डिसाइड कर सकते हो। समवेयर आपके मन में ये थॉट होंगे, आप भी यही सोचते होगे कि यार ये सामने वाला पर्सन कैसे डिसाइड कर सकता है कि ये रिश्ता जब हम दोनों का था, ये रिश्ता जब हम दोनों का सपना था, ये रिश्ते में जब हम दोनों थे, तो एक अकेला इंसान कैसे डिसाइड कर सकता है कि ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, होना चाहिए। जब बनाया है दोनों ने एक दूसरे के साथ में मिलके है, तो उसको ख़त्म करने की भी कहीं ना कहीं जैसे कि जो इच्छा होनी चाहिए दोनों की होनी चाहिए, तो एक इंसान कैसे ख़त्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन भी बस इस बात को कह रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से जैसे कि अपने मन में इनके लिए जो प्यार है वो ख़त्म कर लिया है, इनको पाने की चाहत है वो ख़त्म कर ली है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं संवेर अपने से डिसकनेक्ट कर दिया, अपने अपनी लाइफ का पार्ट ख़त्म कर दिया। जैसे पहले आप इसको अपनी लाइफ का जैसे हिस्सा समझते थे, है ना, इसको अपना समझते थे, लेकिन ये पर्सन भी बस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, मुझे ढूंढने से भी नज़र नहीं आ रहे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जब मैंने तुम्हें देखने की कोशिश की, जब मैंने नज़र उठा के तुम्हें देखा, तो मुझे तो नज़र आया तुमने मेरे मुँह पर दरवाज़ा बंद कर दिया है, मुझे तो नज़र आया तुमने मुझे अपनी लाइफ से बहुत पहले ही निकाल दिया है, मुझे तो नज़र आया जैसे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब कोई जगह ही नहीं है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे लाइक ऑर्फन, कि मैं अनाथ हो गया हूँ, मैं अनाथ हो गई हूँ, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, क्यों किया तुमने ऐसा, मेरा इंतज़ार कर लेते, या फिर ठीक है मुझसे गलतियाँ हुई तो मुझे माफ़ी का एक मौका तो दे देते, है ना, मुझे सुधरने में हो सकता है टाइम लग गया हो, मुझे समझने में हो सकता है टाइम लग गया हो, बट इतनी जल्दी तुमने मुझे कैसे अपने दिल से निकाल दिया। ये चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर बहुत परेशान कर रही हैं। ट्रूली स्पीकिंग व्यूअर्स, जो देखो मैंने बोला था जो एनर्जी आएगी आपको वो बताऊंगी, आपको सुनने में भी हो सकता है शॉक लगे आज आपको रीडिंग सुन के, लेकिन इस पर्सन को व्यूअर्स यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज इनका दिल, इनका मन यहाँ पे इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आपकी लाइफ में अब आप मूव ऑन कर चुके हो, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो, इस पर्सन को इसके हाल पे छोड़ चुके हो, इसकी तकलीफ़ों के साथ में छोड़ चुके हो, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में तकलीफ़ें हैं, इस पर्सन की लाइफ में इतनी तकलीफ़ें हैं। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम्हें तो मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि अब तुम मेरे साथ में हो भी नहीं, तो मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ में जितना तुम सोच नहीं सकते ना उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, और आज मुझे मेरी लाइफ में कुछ भी नज़र नहीं आता, आज मैं डर के साए में अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, मेरी लाइफ में हर वक्त मुझे कहीं ना कहीं एक तरह से अनजाना सा डर सताए रहता है, और वो अनजाना डर कहीं ना कहीं अब तुम्हें लेके भी एक नया भी डर मुझे पैदा होता हुआ नज़र आ रहा मेरी लाइफ में, कि मेरी लाइफ में एक तो कोई था ही नहीं मेरे पास में, ठीक है, और अब तुम भी मेरी लाइफ में नहीं हो, तुम्हारा भी साथ छूट चुका है, तो अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, करूँ तो करूँ कहाँ, अकेला पड़ गया हूँ, अकेली पड़ गई हूँ लाइफ में, कोई समझने वाला नहीं है यार, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा कंधा नहीं है जिसके सर पे मैं जिसके कंधे पे मैं सर रख के रो सकूं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक तुम ही नज़र आते थे, मुझे तो लगता था कि तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, तुम्हें हमेशा मैं अपने आसपास ही पाऊंगा, ठीक है ये पाऊंगी जैसा भी हो, बट इस बात को मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि तुम्हारे दिल में भी आज मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुमने भी अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए, इतने बेमुरब्बत हो गए तुम, तुमने भी मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी, ठीक है सबने मुझे सज़ा दे दी, आज हर कोई मुझे सज़ा ही दे रहा है, हर कोई मेरे साथ में रिश्ता तो रखना नहीं चाहता, हर कोई मुझे समझने वाला नहीं है, ठीक है मूड स्विंग्स भी आप इसे कह सकते हो, दिमाग ख़राब भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि यार मुझे कोई समझने वाला नहीं है, आज ना मेरी लाइफ में ना ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं, आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिनको मैं अपना अगर समझने की कोशिश भी करूँ ना तो ये अपने नहीं है मेरे, ठीक है ये कभी मुझे समझ नहीं सकते जैसा तुम मुझे समझ सकते हो,
ठीक है, जैसा तुम मुझे प्यार कर सकते हो ना, ये लोग मुझे प्यार नहीं कर सकते। मैं इनको चाह के भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में, या वो जगह पे मैं देख नहीं पा रहा, या देख नहीं पा रही जिस जगह पे कभी तुम हुआ करते थे। ठीक है, तो हाँ ये ज़रूर है कहीं ना कहीं गलतियाँ हो गई होंगी। देखो हर एक की पर्सन की एनर्जी का इज़ अलग हो सकती है, हम किसी एक को हम फोकस नहीं कर रहे, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज मुझे मेरी लाइफ में मतलब तुमसे बेहतर कोई नज़र नहीं आ रहा, तुमसे सच्चा प्यार करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा, बट आज तुम भी नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, जैसे गहरा अंधकार है मेरी लाइफ में, और ये अंधकार बहुत गहरा होता जा रहा है, ये अंधकार मुझे कचोटता जा रहा है, ये अंधकार मुझे परेशान करता जा रहा है, और मुझे तुमसे मिलने की जो बेचैनी है वो और ज़्यादा मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा सपना है तुम्हें अपना देखने का, अपनी लाइफ में देखने का समवेयर, ये अधूरा सा ही रह गया है ना। तो इस तरह से व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है आपके पर्सन की, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था आपके पर्सन को सुन के आपको बड़ा आज अचंभा सा लगेगा, और आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पर आपको पाने की जैसे होती है ना महत्वाकांक्षा किसी की, समझ सकते हो किसी की डिज़ायर, आप में भी समवेयर आप में से कुछ लोग इस बात को समझ पाए, जब किसी को पाने का, किसी के साथ में कनेक्ट होने का जब दिमाग पे फितूर सवार होता है ना, तो यही हालत होती है आपके पर्सन की भी, करंटली यही हालत है। दे वांट यू, बहुत पैशनेटली आपके पर्सन आपको पाना चाहते हैं, जैसे एक तरह के, जैसे इस पर्सन की व्यूअर्स इस समय क्या है एनर्जी, ये कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ में। एक फिर से देखूँ व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पर मुझे वो स्ट्रेंथ, वो करेज अपनी लाइफ में, मे बी हो सकता है इस पर्सन ने पहले ना ली हो, आप समझ सकते हैं पहले जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे, भाई ये जो पर्सन है ये इस कनेक्शन को लेके अगर अभी कुछ नहीं करेंगे ना तो समवेयर फिर मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी, या इसको माफ़ नहीं करूँगा, या इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, दिस इज़ द लास्ट चांस, इसके बाद जैसे आपने अपने मन में सोच लिया और आपने फिर मतलब अपनी लाइफ में से मूव ऑन कर लिया इस पर्सन को, ऐसे लग रहा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कह रही है अगर तुम एक मौका दे दो, ठीक है, अगर तुम एक मौका दे दो देन मैं इस कनेक्शन में वापस से कमबैक करना चाहूँगा या करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में ना देखो मुझे तो तुमसे जुड़ना है। कार्ड व्यूअर्स देखो अपने आप ही कॉरिलेट हो रहे हैं, ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ना ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे इनकी ज़िंदगी ना जस्ट लाइक अ, क्या वर्ड बोलूँ, बोर्ड वर्ड भी तो बहुत अजीब मेरे दिमाग में आ गया, तो उसको नहीं बोल सकती मैं है ना, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे बस एक ही बात समझ लो आप कि इस पर्सन की लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा जैसे पिस रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, अपनी इच्छाओं को पिसता हुआ देख रहे हैं, खुद को सफ़र करता हुआ देख रहे हैं, आज ऐसा फील कर रहे हैं दे लॉस्ट यू, ये रो रहे हैं। 99 नंबर यहाँ पर फिर से आ रहा है आपके लिए, इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब रिश्ता इनको मे बी कभी नहीं मिल पाएगा, या फिर आपकी लाइफ में इनको ये प्यार कभी नहीं मिल पाएगा, आपको कभी देख नहीं पाएंगे, आपको कभी छू नहीं पाएंगे, कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, आपको कभी अपने दिल का हाल नहीं बता पाएंगे कि इनको आपसे कितना प्यार हो गया है, ठीक है, या आपको कितना चाहने लगे हैं, ठीक है, मे बी कोई गाना भी है इस तरह से, कोई कितना चाहने लगे हैं तो आप सुन लेना, वो गाना थोड़ा सा चैनल हो गया। तो व्यूअर्स यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन इस समय अकेले हैं, तनहा है, ठीक है, 99 नंबर एक तरह का यही दिखा रहा है, इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, एक तरह का कंप्लीट कंप्लीशन इस पर्सन की लाइफ में आ गया है, और कंप्लीशन इस तरह से आएगा इस पर्सन ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमने देखा ना 9 नंबर समवेयर रिप्रेजेंट इन न्यूमरोलॉजी इस काइंड ऑफ ए ओवर होना, कम्प्लीशन होना, लेकिन कम्प्लीशन एक सैड मोमेंट में जाके होगा, एक बुरी तरह से होगा जहाँ पर कुछ हाथ भी नहीं लगेगा, पास पल्ले कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, सारी उम्मीदें कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाएंगी। तो ऐसा कम्प्लीशन आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था, या इस रिश्ते का नहीं सोचा था कि ऐसा भी कहीं रूप देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त आपको लेके रोते हुए नज़र आ रहे हैं, मे बी आई थिंक ये बहुत रोने वाले हैं आज रात, बहुत ज़्यादा बहुत तड़पेंगे आपको याद कर करके, ठीक है, हरजाई कह रहे हैं आपको, रुसवाई कर रहे हैं आपकी, ठीक है, यही कहूँगी व्यूअर्स, ठीक है, हरजाई हो तुम। तो चलो मैं यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज ले लेती हूँ आपके लिए। ओके व्यूअर्स, तो ये मैंने न्यू मून पे जो सॉरी कह रही हूँ फुल मून पे ये डेक बनाया था आपके लिए, ठीक है, तो ये उससे मैसेज ले रही हूँ मैं आपके लिए, कल भी मैंने इसी से लिए थे आई थिंक सो। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के ट्रू हार्ट मैसेज क्या हैं, उन्हें और क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें, ट्रू हार्ट मैसेज। ओके, द ग्रास वाजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जैसा दिखता वैसा नहीं होता।
मैं सिर्फ एक बहुत ही सिंपल से उसे भाषण बताऊं कि इंसान जैसा दिखता है ना वैसा नहीं होता, उसकी कंडीशन जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है। उसको अदर साइड अगर देखोगे मेरी लाइफ का, तो मेरी लाइफ में बहुत रूखा सूखापन आ चुका है और मेरी लाइफ में कोई भी ग्रीनरी नहीं है, यानी कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं है मेरी लाइफ में। आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं, तुम जैसा मुझे देख रहे हो ना, एक्चुअल में मेरी लाइफ वैसी नहीं है। दिल में उतर के देखोगे तो समझ में आएगा कितना दर्द है मेरे दिल के अंदर आज तुम्हें लेके, ठीक है। आई स्टिल लव यू, बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं भैया आपसे, आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं। आई जस्ट हैव टू डू सम थिंग्स एल्स राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कुछ करना चाहते हैं व्यूअर्स आपके पर्सन, ठीक है, मतलब इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ये कह रहे हैं कि मुझे यार करनी पड़ी, मेरी लाइफ में मेरी मजबूरी थी या समवेयर हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ा, ठीक है। अगर तुम समझ सको तो समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं आपसे। ओके व्यूअर्स, दो मैसेज आ गए हमारे पास। आई एम सॉरी आई कुडंट डू राइट बाय यू, इन्होंने आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं करा उसको लेके आपके पर्सन यहाँ पे सॉरी भी बोल रहे। दे फील लाइक कंप्लीट रिग्रेट आफ्टर लॉस यू, यहाँ पे व्यूअर्स ये देख सकते हैं हम, ये लिटरली सॉरी बोल रहे हैं, इसको हम यही बोलेंगे, एक कन्फेशन है अपनी कुछ बातों को लेके कि यस आई नो वेरी वेल, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई नो कि मुझसे क्या हुआ है, बट आई वॉन्ट यू, ठीक है। इट्स ईजियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये भी बोल रहे हैं, ठीक है, आपके लिए ईजी हो सकता है आपको इस सिचुएशन से दूर जाना या फिर मुझसे दूरी बनाना, ठीक है, लेकिन समवेयर आपके पर्सन तो व्यूअर्स आपको चाहते हैं, ठीक है। आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कांट डू दिस, तो ये है व्यूअर्स, आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर बहुत डैमेज फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे टूटा हुआ होता ना अंदर से, इंसान जब टूट जाता है तो कुछ करने के हालात में नहीं होता, तो बस वही एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। सो यह व्यूअर्स फीलिंग आपके पर्सन की तरफ से, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा खुद को पॉजिटिव और हील करने की। ओके सो बाय बाय, टेक केयर।